जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, जिनका CVT 1 हो गया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है ग्रुप डी के लिए इतना ही जोर शोर से मेहनत कीजिए कि आपका ग्रुप डी में कम से कम 80+ नंबर आ सके। तो चलिए, हम यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बोलने पे, और हम आपको आज का जो नया टॉपिक लेके आए हुए हैं वो हम आपके सामने क्वेश्चन को लेके अब आपको हम बताने वाले कि आज का क्या क्या क्वेश्चन ट्रेंडिंग, वो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन को लेके आए जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, वैसा वैसा क्वेश्चन आपके सामने लेके आए। डेली एक हमारा वीडियो देखे ताकि आपको 100% गारंटी देते कि आप ट्रिक के बादशाह ना बन गए, तब बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आके कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके गाली देके आप चले जाइए कि सर जो आपके द्वारा जो बताया गया यहाँ पे ट्रिक कहीं भी एग्जाम में काम नहीं आता है। ठीक है, आपको ओपन चैलेंज देते हैं कि आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके गाली दे सकते हैं यदि आप उस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जाम में नहीं देखे होंगे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हुए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो जो भी देखेगा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और यदि आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। चलिए, और नए लोग होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये 100% गारंटी देते हैं आपको। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन लेके आए हैं हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा लेके आए हुए? चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन को लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जैसे कि आपको हम बता चुके हैं। चलिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्त में AE जो है 4 सेंटीमीटर, मतलब AE बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BE बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दे रहे हैं। फिर क्या दिया हुआ है, CE बराबर 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो CE बराबर यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर को दे दिए। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था कि DE का मान ज्ञात करना, मतलब DE हमसे पूछा जा रहा था। तो कभी भी ऐसा कोई भी सर्कल यदि हमारा बीच में यदि कोई क्रॉस करता है, कोई लाइन क्रॉस करता है, तो क्रॉस जैसे ही करता है वो एक दूसरे का मल्टीपल के तौर पर होता है। कैसे मल्टीपल के तौर पर होता है, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा कि जो AE हो जाएगा वो मल्टीपल किसका हो जाएगा, BE का मल्टीपल होगा। मतलब कुल मिला के बोला जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AE मतलब A से E हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के तौर पर BE हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BE बराबर में क्या हो जाएगा, इतना बटा उतना हो जाएगा, इतना बटा उतना ही इसका यहाँ पे इतना आंसर होगा। कितना आंसर होगा, तो CE हो जाएगा इसके बराबर में, क्या हो जाएगा, CE इंटू क्या हो जाएगा, DE, या तो बोल सकते हैं हम ED बोल सकते हैं। तो चलिए, ED बोल दिए। अब हमारा यहाँ पे जो जो मान दिया हुआ उसको यहाँ पे पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यही तो आपको बताने वाले थे, और ये आता ही आता है। तो चलिए, AE का मान यहाँ पे 4 दिया तो 4 लिख देंगे, BE का मान यहाँ पे 15 दिया तो 15 लिख देंगे, बराबर CE का मान कितना दिया है, 2.5 दिया हुआ है तो 2.5 लिख देंगे, इंटू DE हमसे पूछा जा रहा था, इससे DE बराबर यहाँ पे ये हो गया। चलिए, ये क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इधर जैसे लाइए, कितना हो जाएगा, 4 × 15 हो जाएगा, नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 2.5, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए, 5×5 = 25 हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा, 5×2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4×3 = 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब डी का मान हमारा कितना आ गया, तो 24 सेंटीमीटर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी दिख रहा होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह ट्रेंडिंग और हमेशा जो एग्जाम में जो पूछा जाता है वैसा वैसा क्वेश्चन आपको हम देते जा रहे हैं। तो चलिए, हमारे वीडियो पे बने रहे। चलिए दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन, तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके पास आया हुआ है मैथ्स प्लेटफॉर्म। क्योंकि मैथ्स प्लेटफॉर्म सारे यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम, जो बड़े बड़े क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम उसको कम ही मतलब के शॉर्ट ट्रिक से कम समय में यहाँ पे बना के चले जाते हैं। तो चलिए, ऐसे ही विश्वास करके आप हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म डेली एक वीडियो देखिए। चलिए, हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक बिंदु के निर्देशांक जो हमारा दिया हुआ -1, 9 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है 11, 1 दिया, मतलब 11, 1 दिया हुआ। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से कितना अनुपात में, 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बीच वाला बिंदु निर्देशांक बिंदु हमको ज्ञात करना है। चलिए, सबसे पहली बात जो बोला गया उसको हम पहले यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे दो बिंदु है, ए और बी जो बिंदु है, पहला बिंदु दिया हुआ यहाँ पे कितना, -1 और 9 दिया हुआ, यहाँ पे मेंशन कर दिए। दूसरा बिंदु कितना दिया हुआ है, 11 और 1 दिया हुआ है, जबकि एक हमारा जो बीच का कोऑर्डिनेट हमसे पूछा जा रहा है, और पूछा क्या जा रहा है कि मान के चलिए सबको ये के है, तो हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो विभाजित करता है, मतलब जो दूसरे को एक दूसरे को यहाँ पे जो खंड कर रहा है कितना अनुपात में कर रहा है, तो 3:1 में कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए, बात करते हैं कि इस बिंदु का हमको निर्देशांक बिंदु निकालना है, तो कैसे इसको निकालते हैं, वो भी काफी कम समय में। तो सबसे पहले इसमें यदि हमको निकालना हो, ये के बदले में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, XY लिख सकते हैं, मतलब हमारा एक्स और वाई दोनों यहाँ पे कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को निकालते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ये फर्स्ट वाला को इसके फर्स्ट वाले के साथ आप मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर प्लस में आप क्या कीजिएगा, इस 1 को यहाँ पे क्या कीजिएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और नीचे में आपको क्या करना है, ये दोनों का प्लस करना, मतलब 3 और 1 को यहाँ पे ऐड करना, मतलब 3+1 को ऐड कर देना। चलिए, ये एक्स का हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अब चलिए, वाई का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फिर आपको दोबारा क्या करना है, इस 3 को क्या करना है, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो बोलिएगा सर जी 3 आ जाएगा।
फिर प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है, वन को नाइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करना है, वन को नाइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, नाइन होगा। बटम आपको क्या करना है, यही दोनों का सम करना, मतलब थ्री प्लस वन करना है। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 या कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 ये प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे कितना होगा, माइनस होगा, मतलब 33 में से एक चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 32 बटा नीचे कितना होगा, तीन और एक मिला के चार हो जाएगा। यहाँ पे कितना, नौ तीन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 बटा नीचे कितना हो जाएगा, चार होगा। 4 या 12 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 8 और 3 जो इसका निर्देशांक बिंदु निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए कभी भी ऐसा कोऑर्डिनेट आपके एग्जाम में आता है तो आपको चुटकी बजा के ही आंसर आपको निकाल के ले आना है, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स प्रोफेसर हमेशा ट्रिक और आसान तरीके से बताता है, ये भरोसा आपको करना होगा। एक बार एनटीपीसी पे भी आप यदि हमारा वीडियो देख रहे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है या नहीं आता। एग्जाम में 100% आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन, हम आपको विश्वास के साथ आपको बता रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलती है, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन देंगे जो कि एक एग्जाम में एकदम 100% 110% पूछता ही पूछता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, को लेके आया हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि 15,000 रुपए की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो 2 साल का अंतर, 2 साल का यहाँ पे डिफरेंस दिया रहेगा, या तो 3 साल का। 3 साल वाले डिफरेंस पे क्या किया जाता है, हम पहले वाले वीडियो पे हम बता चुके हैं, यहाँ पे हम 2 साल वाला अंतर आपके सामने क्वेश्चन को लेके आए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है। इसका क्या होता है, पी होता है आर स्क्वायर, आर बटा 100 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले एसआई और यहाँ पे अंतर पूछा जाता है। यहाँ पी आपका क्या है, मूलधन है, मूलधन के तौर पर आपके यहाँ पे कितना दिया, 15,000 दिया हुआ है। चुपचाप से आप यहाँ पे 15,000 लिख दीजिएगा। आर स्क्वायर, आर के बदले पे यहाँ पे क्या कितना दिया हुआ, 8। तो 8 स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, सॉरी कितना होता है, 64 होता है। यहाँ 64 हो जाएगा, लिख देगा, लिख देगा मतलब क्या, 8 यही हो जाएगा। रेट हमारा 8% दिया हुआ है। नीचे कितना हो जाएगा, 100 का यहाँ पे स्क्वायर किए कितना होगा, 4 को 0 वाला हो जाएगा। मतलब 4 को 0 से यहाँ पे देखिए 3 को 0 तो यहीं पे कट गया, 3 को कट गया। अब बचा यहाँ पे 1 को 0 तो यहाँ पे काट दिया, 5 दो 10 काट दिया, 5 दिया 15 काट दिया, यहाँ से काट दिए कितना हो जाएगा, 32 बार में कटेगा, कर दिए कितना होगा, 32 × 3 कर दीजिएगा कितना होगा, 3 और 6 3 3 9 मतलब कितना हो जाएगा, 96। मतलब सी आई और एस आई मतलब डिफरेंस कितना आ जाएगा, सी आई और एस आई का डिफरेंस हो जाएगा 96 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा होगा। आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे पहले जो हम बता चुके हैं वहां पे हम आपको क्या दिए थे, 3 वर्ष का डिफरेंस के लिए बताए थे। 3 वर्ष का डिफरेंस के लिए थोड़ा सा चेंजिंग होता है, यदि हमारे वीडियो ने देखे तो वीडियो पे जाके देख लीजिए, 3 वर्ष के लिए कैसे हम यहाँ पे बनाया जाता है। यदि आपको भी नहीं लग रहा हो तो हम कहीं पे हम क्वेश्चन इसको, चलिए हम 3 साल वाला यहाँ पे आपको बता देते हैं। 3 साल बताने से पहले, इससे पहले कुछ कुछ हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, उस जगह तो बताएंगे नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए यदि हमारा इसमें यदि बचता है टाइम तो हम इसमें बता देते हैं, नहीं तो हम पिछले वाले वीडियो बता चुके हैं, वहां से भी जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन को लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मतलब वो आपको मार्क्स दिलाने के लिए क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एंगल बी सी डी 82 डिग्री, मतलब 82 डिग्री हमारा ये दिया हुआ है। बी सी डी का मान हमारा 82 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि बी ए सी का मान क्या होगा, मतलब बी ए सी मतलब हमसे इस एंगल का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये चीज हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी सर्कल पे यदि ये हमारा स्पर्श रेखा, कोई भी सर्कल पे यदि स्पर्श रेखा यदि जीवा के साथ, ये आपका जीवा हो गया, यदि जीवा के साथ जितने डिग्री का यहाँ पे कोण बनाएगा उसके एकांतर कोण, मतलब के इसका एकांतर कोण क्या होगा, इधर होगा। तो इसके एकांतर कोण मतलब के परिधि पे जितने भी इधर कोण बनाएगा इस एंगल के बराबर ही होगा। क्या बोले, आराम से सुनिएगा। कोई भी यहाँ पे सर्कल पे यदि कोई स्पर्श रेखा जीवा के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएगा इसके एकांतर परिधि पर जो भी कोण बनेगा इस एंगल के बराबर ही बनेगा। मतलब यहाँ पे 82 डिग्री, ये भी आपका यहाँ पे कितना बनेगा, 82 ही डिग्री बनेगा, क्योंकि इसका आंसर कितना हो जाएगा, एंगल बी ए सी का मान कितना हो जाएगा, 82 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारा द्वारा समझाया गया क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है, क्या बोला जा रहा है कि इफ एम का पावर 4 + 1 / m^4 = 119, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम -1/m। मतलब कभी भी यहाँ पे 4 के रूप में दिया रहेगा और आपको यहाँ पे सिंपल से मतलब क्या प्लस से माइनस का टर्म पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार रूट, दो बार आपको रूट डालना है। लेकिन दो बार रूट डालने से क्या फायदा है, एक बार प्लस कीजिएगा, एक बार क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है कि 119 जो दिया हुआ 119 लिख दीजिएगा, आपको क्या करना प्लस 2 जोड़ देना। तो 119 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो 121 किसका होता है, तो आप बोलिएगा सर जी 11 का होता है। बस आपको उसी तरह आपको यहाँ पे करना है, यहाँ 11 लिख देना, एक बार प्लस किया तो एक बार आपको यहाँ पे क्या करना माइनस करना है। माइनस करने के साथ आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 किसका होता है, ये 3 का होता है। लेकिन क्या होगा, प्लस माइनस
रूट के अंदर, रूट के बाहर कभी भी निकलता है तो वो प्लस और माइनस के टर्म पे निकलता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा तरह समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जितने भी ग्रुप डी के लिए जो तैयार हो रहे हैं, मतलब क्या तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छा से तैयारी कीजिएगा और हमारा वीडियो डेली वीडियो देखिएगा, ताकि आपको 100% गारंटी देते कि आपको बेनिफिट मिल सकेगा। तो चलिए हमारे मैथ्स पेपर बन रहे हैं, जय हिंद दोस्तों, वंदे।